नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज की जो ये खबर है ये काफ़ी सनसनीखेज है, हैरान कर देने वाली है। आप पूरी खबर को देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे, जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम वास करते हैं, जिस देवभूमि उत्तराखंड को हम देवी देवताओं का वास मानते हैं, आज वहाँ इस तरह की घटनाएँ हैं, ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हमें अपने समाज में काफ़ी बदलाव लाने होंगे। तो मित्रों, जो खबर है वो है जिला नैनीताल के खनचू थाना क्षेत्र के अंतर्गत में गांव पड़ता है कोटली, जहां एक भाई ने अपने ही सगी बहन को मार डाला। भाई भी नाबालिग है और बहन भी नाबालिग है। आइए आज इस खबर की हम पूरी तरह से आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कोटली गांव के शेर सिंह ने कुछ समय पहले थाने में एक रिपोर्ट लिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कहीं गुमशुदा हो गई है। वो मिट्टी लेने के लिए पास के ही कहीं जगहों में गई थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। जब पुलिस ने इसके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू करी तो बाद में पता चला कि उस लड़की की बॉडी वहीं कोटली गांव के एक जंगल में कहीं दबी मिली थी पत्तों के नीचे। जब वो संदिग्ध हालत में वो लड़की की लाश मिली तो पुलिस ने फिर और कुछ टीमें बनाई, एसएसपी साहब नैनीताल प्रहलाद मीणा जी ने, और उस टीम ने फॉरेंसिक जांच के लिए पूरी रिपोर्टें तैयार करी और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब लोगों से आसपास से सब पता चला वो करा तो जो सामने खुलासा हुआ वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उसमें ये था, एक नाबालिग लड़की जिसका नाम गीता था और मात्र 70 साल की थी, उसके अपने ही गाँव में एक त्रिलोक सिंह नाम के एक व्यक्ति के सामने जिसकी उम्र 36 साल थी, शादीशुदा था, उसके बाद में भी वो लड़की उससे प्रेम प्रसंग करती थी, उसके सामने उसके संबंध थे, जिसके चलते एक बार जो त्रिलोक सिंह है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी पत्नी ने उन दोनों को साथ में पकड़ा। उसके बाद में उसकी पत्नी ने उनके घर लड़की के घर वालों से ये शिकायत करी कि आपकी ये लड़की मेरे पति के साथ में इस तरह से, इसका प्यार मोहब्बत है, प्रेम प्रसंग है और इन्हें रोकने की कोशिश करो, जिसके बाद में दोनों परिवारों में आपस में लड़ाई हो गई, जिसे उसका भाई यानी गीता के भाई को जो मात्र 16 साल का था उसको ऐसी चीज़ें रास नहीं आई। उसने अपनी बहन को समझाने की भी कोशिश करी, उसने अपनी बहन को काफ़ी चीज़ें ये सुलझाने की भी कोशिश करी, लेकिन जब उसकी बहन ने भी कुछ ऐसी बातें हुई होगी उनके बीच में तो उसके भाई का गुस्सा सातवें आसमान में आ गया। जब उसकी बहन मिट्टी लेने के लिए कहीं गई तो उसका भाई उसको ढूंढते हुए गया, उसको तब यह शक हुआ शायद आज भी वो उससे ही मिलने गई यानी त्रिलोक सिंह से फिर मिलने चली गई। वो उसके पीछा करते हुए गया, उसे अकेले पाया तो उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में जब उसकी बॉडी उसने वहीं कहीं छुपा दी थी, उसके बाद में उसने उसी त्रिलोक सिंह को बुलाया और कहा कि अगर तू मेरी मदद इसकी बॉडी को छुपाने में नहीं करेगा तो मैं तुझे भी पुलिस में बंद करवा दूंगा और तुझे भी गिरफ्तार करवा दूंगा, जिसके बाद में दोनों ने मदद के माध्यम से उसे कई झाड़ियों के बीच में छुपा दिया। तो ये पहली बन गई थी पुलिस के लिए। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद में जब इसका पूरा खुलासा किया तो उसके भाई ने ये जुर्म कबूल कर लिया कि वो हत्या मैंने ही की थी और साथ में उसका त्रिलोक सिंह ने उसका सपोर्ट किया था। तो ये नैनीताल के SSP महोदय साहब ने इसका खुलासा किया और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में पहली बार ऐसी वारदात घटना है जब एक नाबालिग भाई ने अपनी ही नाबालिग बहन को मार दिया। तो दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात ये है, आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ किस ओर जा रही हैं, इसमें बदलाव अवश्य लाना होगा तभी हमारा समाज सुधर सकेगा। क्योंकि आज बच्चों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में मोबाइल है, जिसके बाद में वो इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि वो उम्र का ख्याल नहीं रख रही हैं। अपने ही गाँव में इस तरह का जो है ये घटना, ये पूरे समाज के लिए संदेश देती है कि ऐसा जो आगे को समय बढ़ रहा है वो सही नहीं है, वो घातकदार समय है। तो इसमें सभी को ध्यान देना होगा। और अब जब SSP महोदय ने इसका खुलासा क्या कुछ कहा, आइए आप वीडियो में देख सकते हैं SSP साहब ने जो अपने नैनीताल फेसबुक पे डाला हुआ है। 22 सितंबर को एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी थाना फंक्शन में, जिसमें एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। बाद में कुछ दिनों बाद उसके डेडबॉडी गांव में मिली और जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो प्रारंभिक रूप से तथ्य आया कि शायद इसकी हत्या की गई। इसमें हमारी टीम के द्वारा, SOG की टीम के द्वारा और जिले की 2-3 थानों की टीमें हमने गठित की और काफ़ी बड़े लेवल पर इसमें लोगों से पूछताछ में पाया गया कि मृतका के परिवार के जो लोग हैं वो कुछ पत्ते को छिपा रहे हैं, उनके बयान जो विरोधाभासी हैं। और इस आधार पर हम पहुँचे कि कहीं ना कहीं महन पर कोई पत्ते छुपा हुआ है। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ करने पर तो ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा
जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में हो रही हैं, जबकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन इस तरह न बढ़े, इसके लिए आप सभी समाजवासियों को, हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वालों को यह सजग रहना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। माँ बाप का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के ऊपर में ये निगरानी रखें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि आजकल जो मैं मानता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मोबाइल है। मोबाइल अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। अच्छे के लिए भी ऐसा है, जो मोटिवेशन देखते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई की जो चीज़ें देखते हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं, ख़राब भी नहीं है। आज मोबाइल से लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, और जो अच्छी संगत में जा रहा है वो अच्छे भी कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दे रहे हैं, अपने घर परिवार की इज्जत दाव पर लगा दे रहे हैं, और इसी मोबाइल से अपने रिश्तों को तार तार कर दे रहे हैं, जिससे समाज में भी बुराई हो रही है, पूरे देश दुनिया में भी बुराई हो रही है। तो सभी को सजग रहना होगा, और वीडियो अपने और मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे पूरे प्रदेश में ना हो। क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले थे, अब लेकिन जिस तरह बीते दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, तो मन में वास्तव में कहीं ना कहीं दुखी होता है, और लगता है कि जिस देवभूमि, जिस उत्तराखंड को हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने अलग करने की मांग करी थी, आज वो देवभूमि को कुछ लोग इस तरह से कलंकित करने का काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे YouTube चैनल लम्मा UK के साथ में। आपको पहाड़ की ताज़ा तरीन खबरें और वहाँ की पूरी सच्चाई के साथ में हर चीज़ मिलती रहेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।